समा के तीन कड़क सवाल, वज़ीर आला सिंध के अजब जवाब। 99% असातिज़ा फेल हो गए, सिंध में तालीम का क्या हाल कर दिया। मुराद अली शाह बोले, मनपसंद लोगों को घर बैठे पास करवा देता तो ये शोर ही ना होता। दूसरा सवाल पूछा कि कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं, लोग मर रहे हैं, जिस पर वज़ीर आला ने कहा कि दुनिया भर में ऐसा ही होता है। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट के सवाल पर भी मुराद अली शाह भड़क उठे। 1,60,000 टीचर ने इम्तिहान दिया और 99% उसमें फेल हो गए। ये 13 सालों में पीपल्स पार्टी में तालीम का क्या हाल किया सिंध में, थोड़ा उस पर भी तो रोशनी डालें। दूसरा रुख ये है कि कुत्ते की काटे की वैक्सीन नहीं होती, सिंध में लोग मरते हैं, जच्चगियाँ रोड पे होती हैं, कराची में एक एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मसला हो जाता है किसी के साथ, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर लगवाया जाता है, वो मरीज दम तोड़ जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जैसी आला तरीन अदालत अगर शेम ऑन गवर्नमेंट ऑफ सिंध कहे तो कुछ शर्म आती है सिंध गवर्नमेंट को, कुछ करती है गवर्नमेंट? मेरा ख्याल है कि आप लोग ये जरा क्वेश्चंस को नहीं नहीं करने और लैंग्वेज का भी जरा ख्याल। मैंने तो शुरू में ही कहा था ना, पब्लिक सर्विस में हूँ तो ये सब बातें सुनने का आदी हूँ और सुनूंगा। यस, तालीम के लिहाज से कोई बहुत हौसला अफजा सिचुएशन नहीं है। जो आपने नंबर्स बताए बिल्कुल दुरुस्त हैं। नौकरियों देने के लिए टेस्ट था ना, ये नौकरियाँ घर बैठ के भी मैं दे सकता था ना अपने मनपसंद लोगों को। अब ओवर द ईयर्स जो हुआ है काम, उसको मैं ओवरनाइट सही नहीं कर सकता ना, 10-12 साल में सही होगा। आप ये जो जादू की छड़ी चला के और सब सही कर दें, ये नहीं होगा। दूसरी आपने बात की कि सड़कों पे ये फिनोमेना सिर्फ यहाँ पे नहीं है, दुनिया भर में है। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, मैं बिल्कुल कोई चीज़ नहीं कहूँगा उनके बारे में, उन्होंने आगे भी बहुत बातें की, सिर्फ शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट नहीं कहा, उन्होंने वफाकी हुकूमत को भी ये बात की। अगर हमारा पूरा मुल्क ही ऐसा है।